सो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों. सो स्टेट बोर्ड टेक्निकल एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, सो सिलेबस क्या होता है, कितना सब्जेक्ट रहता है, क्या है बोल के आज हम लोग वीडियो में पता करेंगे. जैसे कि कल स्टेट बोर्ड टेक्निकल एडुकेशन क्या है बोल के इसके बारे में हम लोग पता किए थे, तो आज हम लोग इसका सिलेबस क्या होता है, ये कोर्स करने से हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर कर सकते, क्या क्या नॉलेज बोल के. जैसे कि देखो यहाँ पे IS मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इसका एक कोड है. सो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 बोल के. सो 101 आके सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, कैसा हम लोग सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट को मैनेज करना है. और IS 2 बोल के सेफ्टी इंजीनियरिंग 1, सो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. इंजीनियरिंग 2 और IS 4 आके क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, सो उसके बारे में पूछेगा. IS 5 सेफ्टी एंड हेल्थ एनवायरनमेंट लेजिलेशन, मतलब कि जैसा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. सो IS 7 आके सेफ्टी इन केमिकल एंड पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री में क्या टाइप का सेफ्टी है बोल के, सो वो करना है. FSS 8 मीन्स IS 108 आके आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, ऐसा बोल के 8 सब्जेक्ट्स, मतलब कि हम लोग ये पूरा 1 ईयर कोर्स में हम लोग सीखेंगे. सो हम लोग सीखने के बाद एग्ज़ाम भी इसी तरह से होगा. IS 101, IS 102, IS 103 बोल के एग्ज़ाम रहेगा. और इस सब्जेक्ट्स को पूरा 1 साल रेगुलर, मतलब जो जॉब कर रहा है उसको भी, या जो मतलब कि अभी चालू करने वाला है उसके लिए भी ये रेगुलर कोर्स है. रेगुलर इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स है, तो ये 1 ईयर कोर्स, ये रेगुलर बोल के ही आपका सर्टिफिकेट भी आएगा, ताकि बहुत सारा बंदा जो जॉब फील्ड में रहेगा उसके लिए ये कोर्स ऑफर कर रहा है, जो स्टेट बोर्ड टेक्निकल एडुकेशन से 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी. सो क्लियर से यहाँ पे दिया देखो. सो यही है जो ये कोर्स, और इसके साथ साथ में ये कोर्स में और IS 9 बोल के एक रहेगा, ये प्रैक्टिकल रहेगा, मतलब कि एक प्रोजेक्ट हम लोग करके उनको देना है. और इंटरनल में हर पेपर में 20 मार्क रहेगा. सो उसके साथ साथ में आप लोग को इंटरनल्स, मतलब कि इंटरनल्स बोल के हर एक पेपर में 20 रहेगा, मतलब कि हर एक पेपर 80 मार्क्स का आपको रहेगा. इसमें अगर 27 मार्क्स अगर आपको आ जाते तो आप पास हो जाएंगे. सो इसी तरह सा सिलेबस रहेगा SBTET. सो कल हम लोग और एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे. सो SBTET स्टेट बोर्ड टेक्निकल एडुकेशन एंड ट्रेनिंग में इसी तरह से 9 सब्जेक्ट्स रहते हैं. सो हम लोग फोकस 8 सब्जेक्ट पे करना है, एक प्रोजेक्ट करना है, चाहे इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान, इमरजेंसी प्लान या कोई भी एक प्रोजेक्ट आप करना है, उसके बारे में आपको वाइवा क्वेश्चंस रहेगा. और इंटरनल अपना इंस्टीट्यूट, मतलब जो इंस्टीट्यूट से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में आउट ऑफ 20 जितना भी वो इंस्टीट्यूट वाला का मर्जी है वो उतना आपको इंटरनल दे सकता. सो यही है जो SBTET का सिलेबस फ्रेंड्स. फर्दर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोग कल हम लोग सीखेंगे, अगर आप पहली बार हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स.